कहना चाहूंगा लतीफ अनवर साहब तवज्जो दे कि आपने जहां खिदमत खल्क के लिए मेडिकल फील्ड चुनी है, मैं उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं था, मैंने सुना उस वक्त लतीफ अनवर साहब का शोरा था, मैं आपको दावत देता हूं आप इस मैदान में तशरीफ लाए और इस मैदान में आकर के मालेगांव के आवाम का आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को जो है वक्त करें। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, क्या जमीन पे बैठे बैठे आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, क्या जमीन पे बैठे बैठे आसमान देखता है। दोस्तों, ये शेर खानवायदा है, लतीफ़ अनवर का एक ब्रांड अम्बेसडर शेर बन चुका है। जब भी ये शेर सुनो तो लतीफ़ अनवर साहब की याद आती है, या जब भी लतीफ़ अनवर साहब को देखो तो ये शेर याद आ जाता है। आज सारा हॉस्पिटल में सरकारी स्कीमात की मंजूरी मिलने पर उसकी एक इफ्तिताही तकरीब थी, जहाँ ये शेर सुनने का भी मौका मिला और लतीफ़ अनवर साहब से मुलाकात भी हुई। दोस्तों, सारा हॉस्पिटल के इस इफ्तिताही तकरीब की झलकियाँ आपको आगे बताते हैं, दीगर तफसीलात भी आपको बता दें दोस्तों के लतीफ़ अनवर खानवादे से मेरे बड़े दीरीना कदीम जूने मरासिम हैं। लतीफ़ अनवर साहब ज़मीनी सतह पर काम करने वाली शख्सियत हैं, बचपन से ही तजुर्बात की भट्टी में ये तपते रहे। अपनी सिम तो अपनी राह अपनी दिशा इन्होंने खुद मुंतखब की और मुसलसल मेहनत करके संजीदगी से लगे रहे। यही वजह रही कि उन्होंने मंजिल की तलाश की और ख़ुद मंजिल का निशान बन गए। मालेगांव शहर में लतीफ़ अनवर की ज़िंदगी आज एक मिसाली ज़िंदगी मानी जाती है। दोस्तों, बचपन से ही वो सामाजिक खिदमत का सिलसिला दराज किए हुए थे। अलरजा सोसाइटी उन्होंने बनाई और मालेगांव शहर में उन्होंने कई तकरीबात का इनेकाद किया। उस ज़माने में सोसाइटियां किताबें ब्याजें बांटा करती थी, मेडिकल कैंप लगवाए जाते थे। लतीफ़ अनवर साहब ने भी कई प्रोग्राम किए, उन्होंने अखबार भी शुरू किया, साहबती लाइन से भी जुड़े रहे। दीनी, इल्मी, सनती, समाजी, तालीमी, सकाफती, अदबी हर मामलात में इन्होंने अपनी खिदमत पेश की। मालेगांव शहर के अच्छे सामाजिक खिदमतगारों में और मुखय्यरान कौम में दोस्तों इनका शुमार होता है। इब्तदाई दिनों में वो परसान दादा हीरे के नहायत करीब रहे, मगर आज रियासत के सभी पार्टियों के आला लीडरान से, वज़रा से, मिनिस्टर और आला आफिसरान से उनके गहरे मरासिम हैं। यही वजह है कि मालेगांव शहर का कोई भी मसला हो, वो अपने मरासिम का फ़ायदा उठाते हुए शहरियान का काम के कामकाज करवा देते हैं। गुज़िश्ता दिनों रियासत महाराष्ट्र की जानिब से पावरलूम इंडस्ट्री की निगरानी करने के लिए एक रियासती निगरान कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसका चेयरमैन लतीफ़ अनवर साहब को मुंतखब किया गया था और इनकी सरपरस्ती में पावरलूम सेंटर्स के तमाम नुमाइंदों ने तमाम सेंटर्स के सनती अहवाल और मसाइल हुकूमत तक बावर कराए थे। लतीफ़ अनवर साहब बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले मालेगांव शहर में वो म्यूनिसिपल काउंसलर बने। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुसुम्बा रोड इलाके से वो काउंसलर मुंतखब हुए। उस ज़माने में उन्होंने महसूस किया कि मालेगांव शहर की आमदनी नहायत कम है, जिसकी वजह से आवामी कामकाज और तामीराती कामकाज नहीं हो पाते हैं। उस ज़माने में ज़कात कॉरपोरेशन के मुलाजमीन वसूला करते थे, जो नहायत सुस्ती का मुजाहरा किया करते थे। उस ज़माने में ज़कात चोरी बहुत होती थी, जिसे उर्फ आम में अल्टर करना कहा जाता था। इन्होंने कॉरपोरेशन का ऑक्ट्राय का ठेका गुजरात की अनस नामी कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करते हुए निजी तौर पर मक्केदाराना तौर पर एक मुस्तकिल आमदनी के साथ दिया। कॉरपोरेशन की मुस्तकिल आमदनी शुरू हुई। उन्होंने मालेगांव शहर से सहारा से हाईवे से गुजरने वाली बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए सर्विस टैक्स का ठेका भी इश्यू करवाया और उस वक्त भी मालेगांव शहर की काफ़ी आमदनी बढ़ी। इन्हीं ठेकों में कॉरपोरेशन को जो रकम देना थी, इसके अलावा उन्होंने मालेगांव की जो कॉरपोरेशन थी, जूनी इमारत, ये नहायत कदीम तर्जों पर बनी हुई थी, कामकाज में दिक्कत आती थी, रकबा कम पड़ता था, इसलिए इन्होंने बाजू में इसी ठेके की रकम से मौलाना आज़ाद भवन, जो नई कॉरपोरेशन बिल्डिंग इमारत है, ये इन्हीं ठेकेदारों ने बना कर दी। इसमें कॉरपोरेशन का कोई रुपया नहीं लगा। नुमानी पुल जैसी कई इमारत और कई सहूलियात भी उस ज़माने में कॉरपोरेशन को इन लोगों ने दोस्तों बना कर दी थी। मालेगांव शहर के बेशतर नौजवानों को रोज़गार इन्होंने फराहम किया। आज मालेगांव के अलावा बैरून शहर में भी मालेगांव शहर के कुसुम्बा रोड और अतराफ के नौजवान, इनके ताल्लुकात के लोग कहीं ना कहीं से रोज़गार हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, लतीफ़ अनवर साहब फी ज़माना कारोबारी और दीगर मसरूफियात की बिना पर अक्सर बैरून शहर रहते हैं और अवामी रबते में कम ही रह पाते हैं। उनकी जगह उनके छोटे भाई वार्ड नंबर 7 के फाल कारपोरेटर साबिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सलीम अनवर साहब उनके ताल्लुकात मेंटेन करते हैं। दुख, बीमारी, शादी ब्याह, मौत, मैयत,
तकरीबात का एहतमाम हो, सियासी समाजी शहरी को कौमी कोई भी मामला हो, इस मामले में वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। उसके अलावा शफीक अनवर साहब जो इनके भाई हैं, एक प्राइमरी टीचर हैं और प्राइमरी निज़ाम में आज सबसे बेहतर इन्हीं का स्कूल है। इन्होंने प्राइमरी अपनी स्कूल के प्राइमरी तालीमी निज़ाम को इस कदर मेयारी बनाया कि प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा इनके पास आज बच्चों की लाइन लगी हुई है। दूसरी स्कूलों में बच्चे नहीं मिलते कॉरपोरेशन की स्कूलों को, मगर इनके यहाँ बच्चों को वापस कर दिया जाता है। इस कदर इन्होंने सदीद और जदीद मेयार तालीम अपनी स्कूल के ज़रिए शुरू किया है। मोहसिन और तौसीफ लतीफ़ अनवर ये भी कहीं ना कहीं से सामाजिक खिदमत के लिए हमेशा शरीक रहते हैं, हाजिर रहते हैं। डॉक्टर आरिफ बेग साहब मालेगांव शहर के तमाम मसाइल में से तमाम खिदमत के लिए हमेशा आगे आगे देखे जाते हैं। तिब्बी खिदमत की जो कसक लतीफ़ अनवर साहब के पास थी, गुज़िश्ता कई दहाइयों पहले दोस्तों उन्होंने दयाना जैसे मजदूर और मतवस्त इलाके में तिब्बी मसाइल और दुख बीमारियों के बढ़ते परसेंटेज को देखते हुए अलरजा हॉस्पिटल इमदादी दवा खाना शुरू किया। इमदादी दवा खाने के ज़रिए यहाँ रियायती दामों में ये उसका इलाज किया करते थे। टिब्बी तड़प कहीं ना कहीं से मालेगांव शहर की ये कसक उनके दिल में थी। हम लोग भी देखते हैं कि जीवनदायी और दीगर स्कीमों के लिए नदी के उस पार मराठी माहौल में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे लोग अक्सर कतराते थे और सरकारी स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। अब डॉक्टर आरिफ बेग साहब सारा हॉस्पिटल में कोरोना के वक्त जो खिदमत अंजाम दी, तो इस बात को महसूस करते हुए लतीफ़ अनवर साहब ने रियासती सरकार से कई स्कीमों की मंजूरी लाई। जो मालेगांव आउटर में थी उसे मालेगांव सेंटर में लाया। कल वे शहर में बस स्टैंड के बिल्कुल करीब आगरा रोड से मुत्तसिल सहारा हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात की इन्होंने मंजूरी हासिल की। रियासती महाराष्ट्र सरकार की जानिब से जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत स्कीम महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, जिसे उर्फ आम में जीवनदायी भी कहा जाता है, इसकी मंजूरी हासिल की। अब मालेगांव सेंट्रल की आवाम को नदी के उस पार ना जाते हुए कल्ब शहर में ही ये तमाम सरकारी सहूलियात मिल जाएंगी। दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी बड़ी बीमारियों और दीगर मौक़ों पर हमारे यहाँ मासी तंगी होती है, कुछ लोग कर्ज़बाजारी का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी ज़मीन प्लाट गाड़ियाँ बेच देते हैं, कुछ लोगों के लिए तो चंदा करने की भी नौबत आती है। हम लोगों को चाहिए कि सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों सारा हॉस्पिटल में ये सहूलत शुरू होने से उम्मीद की जा रही है कि मालेगांव सेंट्रल की आवाम को तिब्बी मामलात में काफ़ी आसानी होगी। आज सारा हॉस्पिटल में इन्होंने नई जिद्दत पैदा करते हुए इसकी मज़ीद तज़ीन और तौसी करते हुए इन्होंने ICU यूनिट का बेहतरीन इंतज़ाम किया है। बैरूनी मुकामी माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। बच्चों के लिए PICU का इंतहाई निगहदाश्तों का एक यूनिट भी तरतीब दिया गया है। ख्वातीन और मर्दों के लिए अलहदा यूनिट बनाए गए हैं। सुपर स्पेशलिटी OPD भी रहेगी। CT स्कैन सोनोग्राफी और सर्जरी वगैरह की 24 घंटा सर्विस अवेलेबल होगी। दूरबीन के जरिए पेट के अमराज का इलाज, उसकी जांच, इलाज मुआलजा किया जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी, इंडोस्कोपी, एक्सीडेंट के लिए आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट अलग बनाया गया है। जदीद वेंटिलेटर्स नस्ब किए गए हैं। बेहतरीन और मेयारी मल्टी पैरामीटर्स भी लगाए गए हैं और सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन का भी बेहतर इंतज़ाम किया गया है। दोस्तों मुखलिस स्टाफ तजुर्बाकार डॉक्टर्स की निगरानी में जनरल सर्जरी का भी नज़्म किया गया है। प्राइवेट रूम, जनरल रूम, स्पेशल रूम, तीन अलग अलग के रूम्स अवेलेबल होंगे जिनकी दर्जाबंदी की गई है। कान, नाक, गले, अपेंडिक्स, हर्निया, छोटी बड़ी आंत का ऑपरेशन और दीगर छोटे मोटे ऑपरेशन भी किए जाएंगे। जदीद सहूलियात से आरास्ता मॉडर्न मशीनें लाई गई हैं। ऑपरेशन थिएटर में बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, जहां ओपन और दूरबीन दोनों तरीके से ऑपरेशन किए जाएंगे। पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी भी यहां पर अच्छी बनाई गई है, जिसकी 24 घंटा सर्विस रहेगी। इसके अलावा लिफ्ट, पार्किंग, एम्बुलेंस, मेडिकल, कैंटीन की सहूलत भी 24 घंटा मरीजों के लिए उनके अपराध दिखाने के लिए अवेलेबल होगी। मुखलिस तजुर्बाकार स्टाफ रहेगा। शकर और प्रेशर के ज़रिए पैदा होने वाली बीमारियों के लिए स्पेशल डॉक्टर्स भी अपॉइंट किए गए हैं। शहरियान से गुजारिश है कि मुस्बित सोच के साथ, बेहतर नर्म रवैये के साथ इस हॉस्पिटल से इस्तेफादा हासिल करें। नोक झोंक की बजाय इंतज़ामिया से ताउन करें। आइए देखते हैं आज की इस तकरीब में दादा भुसे और मुफ्ती साहब ने हॉस्पिटल और लतीफ़ अनवर के ताल्लुक से क्या कहा और
इस खानवादे के अहम रुकन सलीम अनवर साहब ने इजहार तशक्कुर करते हुए क्या फरमाया, क्या झलकियां रही इफ्तिताही तकरीब की, बताते हैं सैफ न्यूज की इस अहम वीडियो में। कहना चाहूंगा लतीफ अनवर साहब तवज्जो दे कि आपने जहां खिदमत खल्क के लिए मेडिकल फील्ड चुनी है, मैं उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं था, मैंने सुना उस वक्त लतीफ अनवर साहब का शोरा था, मैं आपको दावत देता हूँ आप इस मैदान में तशरीफ लाएं और इस मैदान में आकर के बालेगांव के आवाम का आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को जो है वक्त करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अगर सियासत में नहीं है और इस तरह खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं तो सियासत में आने के बाद इंशाअल्लाह काम करने का आपको मजीद मौका मिलेगा। मैं आपको वेलकम कहता हूँ, मोस्ट वेलकम कहता हूँ आप तशरीफ लाए। पहले छावरा हॉस्पिटल के बारे में 2-5 साल पहले मेरा थोड़ा अलग राय थी, लेकिन कोरोना के पीरियड में छावरा हॉस्पिटल ने जो काम किया तो मैं समझता हूं उसका हक बनता था। उन्होंने जो खुलने का काम किया, सैकड़ों लोगों को यहां पर जो सेवा मिली, मैं समझता हूं उनका हक बनता था। तो मैंने तुरंत सरकार को विनती की और लतीफ भाई स्पेशल केस अपने सारा हॉस्पिटल को ये दर्जा दिया गया। राष्ट्र की जानिब से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, जीवनदायी स्कीम, इसका मरकज, इसका सेंटर सारा हॉस्पिटल मंजूर हुआ और आज इसका ही इफ्तिताही प्रोग्राम हुकूमत महाराष्ट्र के वजीर दादाजी भुसे साहब, शहर मालेगांव के एमएलए मुफ्ती साहब, सभी मौजूद शख्सियात, कारपोरेटर हजरात और जो नहीं आ सके वो किसी मसरूफियत की वजह से, मगर उन्होंने भी आ करके, आतिफ शेख साहब भी कहीं बाहर जाना था, उन्होंने भी आ करके मुबारकबादी दी, नेक ख्वाहिशात पेश किया। शेख रसीद साहब ने भी जो है उनसे बात हुई, वो भी कहीं बाहर थे, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात पेश किया। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब शान हिंद साहिबा भी आए, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात पेश किया। बस इसका मकसद सारा हॉस्पिटल, ये कल्ब शहर बस स्टैंड आगरा रोड पर है और ये हमारे शहर के लिए एक खुशी का मुकाम है कि ये हमारे अपना हॉस्पिटल है, जो हमारे ऐसे मरीज जो इलाज व मुआलजा के लिए या तो उनके पास वसाइल की कमी या पैसे की कमी रहती है, वो सोच करके लतीफ अनवर साहब ने हुकूमत महाराष्ट्र से जो भी कोशिशें की और एक अच्छा मालेगांव शहर को जीवनदायी स्कीम यानी मुफ्त इलाज की सहूलियात का एक ये मरकज मंजूर हुआ है। मैं शहरिया ने मालेगांव से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग इस, जहाँ भी आप लोगों को ऐसे इलाज व मुआलजा या बड़े ऑपरेशन करवाना हो तो आप बिला शोबा जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना पेपर वर्क जो भी है, हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आप लोग ये हुकूमत की स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। यही सारा हॉस्पिटल और लतीफ अनवर खानवादे का नसीबुल ऐन है। बस यही हमारी कोशिश है कि जो है ऐसी तकलीफ या मेडिकल की ऐसी तकलीफ में हम किसी को अल्लाह की ज़ात के ज़रिए से राहत दे सके, यही हमारी कोशिश रहेगी। अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है और खिदमत खल को बेहतरीन अमल है, इसी जज्बे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। खास तौर से इस स्कीम की जो खसूसियत है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए लागू किया कि जो लोग बेचारे गरीब वो इलाज कर नहीं पाते थे, उनके पास इतना हैसियत नहीं थी पैसे की कि वो जो पैसा वहाँ दे सके इलाज के लिए, तो इसके फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की है और इसका हमारे हॉस्पिटल को शहर के कल्ब में, इस साइड में कल्ब के लिए ये पहला हॉस्पिटल है जिससे हमने गवर्नमेंट से मंजूर करवाया और ये मंजूरी बहुत शहर मालेगांव के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमको ये, उधर 2-3 हॉस्पिटल और भी है जहाँ मंजूरी है लेकिन हमारे लोगों को उतनी दूर से, जैसे रौनकाबाद है, आज़ाद नगर है, इधर रमज़ानपुरा है, मालदा है, ये लोगों को जाने के लिए रिक्शा और वहाँ पहुँचना रात बेरात ही बड़ा दुश्वार मुकाम था, इसलिए ये शहर में ये स्कीम अपने हॉस्पिटल में आना इस आसान तर आसान हो गया।
और दूसरा जो गवर्नमेंट की तफसील एक लिस्ट है बीमारी की, वो बीमारियों में जो जो उन्होंने उसका पैकेज रखा है उसी के तहत यहाँ पर अपन फ्री इलाज कर पाएंगे। उसमें कई ऐसी बीमारी है जिसका बहुत बड़ा पैकेज है जो कोई पे नहीं कर पाता, जैसे हार्ट का है, डायलिसिस का है, बहुत सारे जो रोज़मर्रा की तकलीफ़ें रहती है तो आदमी पे नहीं कर पाता पैसा, तो वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो लिस्ट के मुताबिक देख करके अपने पेपर अप्रूवल वहाँ से मंगवा लेंगे तब ऑपरेशन यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। और ये सब लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि उसके लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, यानी वो प्रोसेस भी बहुत आसान है। आज पेपर दो घंटे में, तीन घंटे में वहाँ से मंजूरी मिल जाती है। और यहाँ पर अपन जब तक के ऑपरेशन का या जो भी तैयारियाँ शुरू कर देते हैं तो ये सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और ऐसे मौके पे मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।